आलू और यहाँ पर मैं पूरियों के लिए आटा गूंद रही हूँ, तो आज बनेगी आलू पूरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। यस, आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या है। तो संडे इज़ अ फन डे फॉर यू, संडे इज़ अ हैक्टिक डे फॉर यू, और संडे इज़ अ हैप्पियर डे फॉर यू, और संडे इज़ अ बोरिंग डे। तो आपके लिए बोरिंग है, हैप्पी है, फन है, और या हैक्टिक है, आपके लिए क्या है? तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। और आज का क्या शेड्यूल है? वैसे टुडेज़ मेन्यू में देख लिया होगा कि आज जो मेरा मेन्यू है घर का, खाने का क्या है, वो चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। तो चलिए, थोड़ा सा मुझे लगा संडे स्पेशल आज होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी बहुत दिनों से बोलते मम्मी ये बनाओ मम्मी वो। तो वैसे तो मैं सीरियस लेती नहीं बातों को, एक बार ले लिया तो फिर ले लिया, नॉट इन रॉन्ग वे बट इट्स ओके। लाइक होता है ना कि एवरीडे अब सब काम स्टार्ट हो गए हैं सबके, तो सबको जाना है सुबह सुबह, फिर आते हैं शाम में, मतलब शाम हो जाती है, दोपहर हो जाती है, बच्चे कॉलेज चले जाते हैं, तो बट इतना टाइम मिल नहीं पाता है। फिर हो जाता है कि लंच भी हो जाता है, लंच टाइम में भी बाहर होते हैं हम लोग, ब्रेकफास्ट टाइम में भी बाहर होते हैं। तो ये है कि ब्रेकफास्ट फटाफट बना के जाओ, और बचा डिनर, डिनर में वही हमारी डिनर में वैसे भी थोड़ा सा हल्का ही खाना चाहिए, लाइट ही होना चाहिए, हैवी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यस, मैंने आज सोचा सुबह से लेकर शाम तक चलो, आप लोगों का मन जब तक नहीं भरता खिलाते रहेंगे। नेक्स्ट संडे की नेक्स्ट संडे देखेंगे, देखते हैं। तो आज का है जो हमारा शेड्यूल अभी है, पूरा बेडशीट चेंज होगी पूरे घर में। तो बेडशीट जो है मैं हफ्ते में दो बार करती हूँ, एक तो बुधवार को, वेडनेसडे को और संडे को। तो आज है संडे, वेडनेसडे का हो गया था, अभी संडे है, तो बेडशीट पूरा चेंज कर दूंगी और डस्टिंग वगैरह सब होगी। आज बहुत काम है, फटाफट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के मतलब थोड़ा सा करेंगे हेल्प, रमन भी करेंगे पूरा, और बट ये है कि बच्चों को थोड़ा सा अभी एग्ज़ाम डे में, रिद्धि के तो 10th स्टार्ट हो गई, मनीषिका के फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, खुद से ही कर रहे हैं जो भी जितना होता है। तो यस, अभी मैंने जो है आलू बन गए हैं, पूरी का आटा गूंद दिया मैंने, पापा गए थे वॉक पर, अब आने वाले हैं, नहाएंगे फिर। अभी तो मैं नहीं नहाने वाली, ऐसे ही खाना खाऊंगी मैं, अभी मैं नहीं नहाऊंगी, पूरा डीप क्लीनिंग करके ही नहाऊंगी, उसके बाद अदरवाइज फिर धूल मिट्टी फिर दोबारा नहाना पड़ेगा, ये मेरे बस की बात नहीं आ रही है। चलो ठीक है, तो ये था मेरा जो संडे का शेड्यूल है, तो मैं आपको बीच बीच में मिलती रहूंगी। तो मैं बाकी के काम निपटाती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। यस गाइस, हम मैंने नहा लिया है, अभी वैसे 11 बजे हैं, सफाई वगैरह सब हो चुकी, क्लीनिंग सब हो चुकी है। विल सी, फिर क्रीम वगैरह लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है। तो मैं क्या बना रही हूँ, आपने वैसे तो देख ही लिया होगा, बट मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ। मैं बना रही हूँ पनीर लबाबदार एंड नान के साथ पनीर लबाबदार बनाने वाली हूँ। तो यस, अभी आटा गूंद लेती हूँ, सब मैदा वैदा नहीं था तो वो मैंने मंगवा लिया है। मैं सोच रही हूँ जो अभी शॉल एंड स्वेटर जो भी हैं, वो मैं अभी उसको इजी में वॉश करके उसको रख देती हूँ अंदर। मौसम थोड़ा सा मतलब ठीक ही है, ठंडा नहीं होता, लेकिन बेंगलोर में तो पता ही है आपको कि 12 महीने ही ब्लैंकेट ही लेते हो आप लोग, तो उसको तो ब्लैंकेट तो नहीं रख सकते, बट स्वेटर, शॉल, स्ट्रॉल जो भी, स्ट्रॉल तो चलेगा ठीक है, स्ट्रॉल तो पतली होती है, लेकिन शॉल जो भी मैंने निकाली थी 4-5 और स्वेटर्स थी जो भी हैं, वो मैं उसको वॉश कर लेती हूँ आज और रख देती हूँ। और बस यही है, कपड़े लगा देती हूँ मशीन में, बस यही है, साथ साथ खाना बन रहा है, साथ साथ और काम हो रहे हैं बस। चलिए मिलती हूँ दोस्तों आपसे। जी, ये गूंद चुका है मेरा आटा, अब मैं इसको ढक के आधे से पौने घंटे तक के लिए रख दूँगी। और ये मैंने जो है रात के लिए वैसे दाल भी हुई है, तो जो है अब इसको इसको अंदाज़ा हो गया होगा, मखनी दाल बनाने वाली हूँ मैं, थोड़ी बनाऊँगी ज़्यादा नहीं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट।
जी बन गया हमारा पनीर लबाबदार। अब यहाँ हो रही है तैयारी नान की। चलिए नान स्टार्ट करते हैं हम बनाना। दोस्तों शाम हो चुकी है, बज चुके हैं 4:30। तो मैं चाय बना के आई हूँ, चाय पीऊँगी मैं, जो एक्चुअली मेरी गलती है। अभी आपको जो मेरे डार्क सर्कल स्टिल दिख रहे होंगे ना, बट मुझे लगता है कि पहले से हल्के से कम हुए, हल्के से, पहले तो बहुत ज़्यादा थे। बट एक्चुअली ये भी इसमें भी और टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ क्या यार, पता नहीं, मतलब लेटने के बाद थोड़ी सी नींद आ जाती है, उसके बाद जाता है अरे यार लगानी थी। अब आपको तो पता है थोड़ी सी आधी सी नींद आ रही होती है, आधे जगे आधे सोए हो, तो आप कहाँ मन, मतलब कहाँ मन होता है आपका, उठो लगाओ एंड ऑल। फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं सुबह लगा लूँगी, बट सुबह मुझे लगता है कि असर नहीं करता है, वो रात में ही करता है, तो इसलिए बीच बीच में भूल जाती हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है टाइम लग रहा है, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है मुझे, बट बेटी का बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इसलिए मैंने एक्चुअली एडिट करी थी ना वीडियो, तो मैं देख रही थी यार ये तो ब्लैक सर्कल बहुत दिख, डार्क सर्कल बहुत दिख रहे हैं मेरे। तो फिर मैंने सोचा यार मेरी तो गलती है ना कि मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, लगा नहीं रही हूँ रोज़, तो फिर टाइम भी लगेगा उतना ही। आपके 4:30 हो चुके हैं और ये आज ही मैंने वीडियो शूट कर रही हूँ और आज ही डाल दूँगी, आज ही अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि 6:00 तक यार हम सब कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता है हम जल्दी कर लेते हैं। एंड 6:30 और 7 मैक्स 7:30 तक मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगी, मतलब आज ही सुबह शूट किया मैंने संडे को और आज ही मैं अपलोड कर दूँगी ये। तो यस, तो ये था हमारा जो संडे का, वैसे मैं मिलूँगी लास्ट में आपको। अभी मैं चाय आराम से बैठ के चाय पी लेती हूँ, फिर आपको जब बैठ डिनर बनाऊँगी ना, डिनर जब बन जाएगा तब मैं आपसे मिलूँगी बाय बाय करने के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। लग रहा है दाल को हमारी तड़का, बस ये हो गया, टाइम हमारा हो गया है 6:45 हो चुके हैं, 6:45 हो चुके हैं, बस हमारा खाना भी तैयार है। ये जी चावल भी भिगो दिए थे मैंने, चावल भी बन जाएंगे साथ में, बस खाना रेडी ऑलमोस्ट। गए जी हमारे राइस तैयार और ये है जी दाल मखनी हमारी रेडी। तो जी टाइम हो रहा है 6:25, चलो 6:30 तक, मतलब 7:45 तक हमारा जो है डिनर निपट जाएगा, खा लेंगे सब। सो यस गाइस, हमारा डिनर विनर सब हो गया है, काम सब खत्म, और टाइम आप देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ आपको, 7:07। तो क्लीनिंग वगैरह, मतलब वेसल वगैरह सब क्लीन कर लिया मैंने, मैं फ्री हूँ अब, मैं अपना काम कोई करूँगी, एडिटिंग करूँगी पहले, तो 7:30 अपलोड करना है ना, तो करना पड़ेगा। सो यस, नाउ आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग हेयर, एंड आप बताना कि मेरा संडे स्पेशल व्लॉग आपको कैसा लगा, एंड मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए
डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. बाय बाय.